बेसिकली मैं प्रोफेशनली ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हमारे फील्ड में कि दो ही फील्ड जानते हैं लोग, या ऑप्थल्मोलॉजी होता है या ऑप्टिशियन होता है। ऑप्टोमेट्री क्या होता है ये किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बेसिकली ऑप्थल्मोलॉजी का वर्क रहता है जो सर्जिकल और मेडिसिनल ट्रीटमेंट देना आई रिलेटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्टिशियंस का वर्क रहता है कि उससे रिलेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बेसिस पे स्पेक्स बनाना। ऑप्टोमेट्री उसके बीच का एक फील्ड है जो पैरामेडिकल फील्ड है। बेसिकली जो 4 साल का कोर्स रहता है उसमें हमारा वर्क जो रहता है वो ये दोनों को कनेक्ट करना। हम नॉन सर्जिकल कोई भी चीज़ कर सकते हैं एंड नॉन मेडिसिनल प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। एंड जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें आप सर्जिकल या मेडिसिनल मीन से उनका विजन को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ उस चीज़ में हमारा रोल आता है। जैसे कि कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड करना है, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें आप सर्जिकली उनको ठीक नहीं कर सकते या मेडिसिनली ठीक नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे स्पेशलिटी कस्टमाइज कॉन्टेक्ट लेंसेस आते हैं और बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज लेंसेस आते हैं जिसे लो विजन फील्ड बोलते हैं हमारे फील्ड में। वो वर्क ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है, जो रोल ऑप्थल्मोलॉजी और ऑप्टिशियन नहीं कर सकते वो रोल ऑप्टोमेट्री प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं बेसिकली मेरा जो एडुकेशन है वो बी ऑप्टम है। अभी मैं एम ऑप्टम परस्यू कर रहा हूँ, मेरा मार्च महीने में एम ऑप्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ एलवी प्रसाद के। एलवी प्रसाद एक बहुत ही नंबर वन आई इंस्टीट्यूट है ऑप्थल्मोलॉजी फील्ड में। मेरा बर्थ नासिक में हुआ है और मेरा जो हॉबीज है वो कुकिंग है और ट्रैकिंग है। मेरा बी ऑप्टोमेट्री नासिक से हुआ है, कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नासिक। एंड मेरा एम ऑप्टोम जो मैं बोला कि मैं परस्यू कर रहा हूँ वो आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से हो रहा है। मेरा प्रीवियस जॉब जो था वो लैंसकार्ट में था, मैं कैंपस सिलेक्शन में सिलेक्ट हुआ था। एंड मेरा बिजनेस डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्टिकल है एंड ऑप्टोमेट्री आई क्लिनिक। ऑप्टोमेट्री आई क्लिनिक मैंने जैसे कि बोला कि ऑप्टिकल स्टोर भी है हमारा इन एज एन ऑप्टिकल प्रैक्टिस में हमारा 34 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जून महीने में हमें 35 ईयर्स हो जाएगा इस फील्ड में। एंड एज एन मेरा पर्सनल एज एन ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस मैं 4 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे फादर भी पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट ही थे, अब उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, अब मैं प्रैक्टिस कर दो। आवर स्किल्स में जैसे मैंने लिखा है वहाँ पे टेलरमेड प्रोग्रेसिव लेंसेस। कई लोग कंफ्यूज होंगे, प्रोग्रेसिव लेंसेस तो सुना है बट टेलरमेड क्या है? बेसिकली टेलरमेड प्रोग्रेसिव लेंसेस ऐसा रहता है जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? बहुत लोग बाइफोकल्स लेंसेस रहते हैं, सिंगल विजन लेंसेस रहते हैं। प्रोग्रेसिव टेलरमेड प्रोग्रेसिव लेंसेस बेसिकली आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल लेंसेज जैसे कि अभी बहुत सारे घर पे बच्चे मोबाइल्स और आपके टीवी लैपटॉप्स में ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप लेंसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में है तो डिजिटल डिवाइसेस के तौर पे आप लेंसेज डिस्पेंस कर सकते हैं। आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो नाइट में आपको जैसे ग्लेयर प्रॉब्लम हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति हमेशा अपर में लाइट रखता है, आपको ग्लेयर प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्पेशलिटी लेंसेस आते हैं जिसे नाइट विजन लेंसेस भी बोलते हैं। तो ऐसे ऑक्यूपेशन के हिसाब से आप लेंसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉन्टेक्ट लेंसेस, कस्टमाइज कॉन्टेक्ट लेंसेस जो रहता है बेसिकली आप नॉर्मल बेस कर्व, हर कॉर्निया का एक बेस कर्व होता है जो नॉर्मल कॉर्निया में एक 14.5 डायर में आप उसको नॉर्मली 8.7 बेस कर्व में फिट करते हैं। ये नॉर्मली एवरी ह्यूमन आईबॉल का एक नॉर्मल डायर रहता ही है, एवरेजिंग बोलते हैं उसे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार कुछ जैसे कॉर्निया के कर्वेचरल चेंजेस के कारण आपके जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट लेंस है वो फिट नहीं होते,
वो निकल जाते हैं बार बार, या फिर वो टूट जाते हैं इंसर्शन रिमूवल के टाइम में कॉन्टेक्ट लेंस के, तो उसे कस्टमाइज कर सकते हैं आपके कॉर्निया के कर्वेचर्स के हिसाब से। इसे कस्टमाइज कॉन्टेक्ट लेंसेस भी बोलते हैं, ये नागपुर में या विदर्भ में या सेंट्रल इंडिया भी बोल सकते हैं, उस पर बहुत कम लोग ये वर्क करते हैं, आप 3 या 4 लोग ही बोल सकते हैं विदर्भ में जो ये काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क, विदर्भ ऑप्टिकल एसोसिएशन, इंडियन ऑप्टिकल एसोसिएशन एंड मेंबर्स ऑफ स्क्लेरल लेंस एजुकेशन सोसाइटी। स्क्लेरल लेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो स्क्लेरल लेंस बेसिकली ये वो लेंस है जिसमें केराटोकोनस जैसे एक एंटिटी रहती है, जिसमें आप सर्जरी या मेडिसिन से उसको ठीक नहीं कर सकते। उसमें आपको मान लीजिए कि अगर 1 मीटर भी दिख रहा है तो वो लेंस अगर आप लगाए तो आपका विजन रिस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली ये डायरेक्टली ये पेशेंट्स तो नहीं आते हैं, ये ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हमें ये पेशेंट रेफर करते हैं ऐसे एंटिटीज के लिए। कम्युनिटी, मैं गुजराती हूँ बेसिकली, कच्छ खमरा से बिलोंग करते हैं हम लोग। आवर गोल बेसिकली जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी आते हैं हमारे फील्ड रिलेटेड, हम सभी को उसे अडॉप्ट करते हैं और जितना ज़्यादा उसे यूज करके आपकी एक्सपीरियंस या आपके चश्मे को बेटर से बेटर बना सके, जितने भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसे नॉर्मल या मिनिमल प्राइस में दे सके, वो हमारी हमेशा कोशिश रही है और रहती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली टाइम अप हो गया है, आप क्विकली ओके ओके सर बस ओके या ओके सॉरी सर। बेस्ट कस्टमर डॉक्टर अमित देवी जी, ही इज एन डॉक्टर प्रोफेशनली, डॉक्टर अरुण डोडाने, ही इज एन ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एंड एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये इनका नॉन सर्जिकल डिविजन में हमारा सप्लाई है। एग्जाम्पल ऑफ रेफरल टाइप्स डेट वर्क फॉर मी, जो कोई भी चश्मा पहनता हो या आगे जाके उन्हें कोई हेडेक या प्रॉब्लम हो रही है तो वो आ सकते हैं। एनी वन हु नीड कॉन्टेक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज या कलर कॉन्टेक्ट लेंसेज, स्पेक्स रिलेटेड, जिसे स्पेक्स नहीं पहन रहा है उन्हें कॉन्टेक्ट लेंस में अगर शिफ्ट होना है तो आप आ सकते हैं। एनी वन हु नीड सनग्लासेस, अभी आगे में गर्मियों का सीजन आ रहा है, आपको गर्मियों में अगर आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके लिए आ सकते हैं। एंड एनी वन हु इज हैविंग सिम्टम्स लाइक वॉटरिंग, जैसे पानी आ रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक का बहुत ज़्यादा कॉमनली सिम्टम्स हेडेक, फ्रंटल अगर हेडेक हो रहा है तो आप आई टेस्ट करवाने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू।